गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आप जानते हैं कि माइग्रेन कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो आपके रोजमर्रे की जो लाइफ है उसको परेशान कर सकती है। माइग्रेन एक टेंडेंसी है जो आपके शरीर में मौजूद होती है, इन ये बीच बीच में ट्रिगर कर जाती है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, अचानक से आपको माइग्रेन का अटैक आ जाता है। जो माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं या जो माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन का अटैक लेके आते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो क्या फूड मटेरियल्स हैं जो वास्तव में माइग्रेन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। Now, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन का अटैक लेके आते हैं। बहुत सारी चीजें खाने में ऐसी हैं जो ट्रिगर बनती हैं, बहुत सारी चीजें पीने में ऐसी हैं जो ट्रिगर बनती हैं। एंड जब भी ट्रिगर्स आते हैं वास्तव में ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ट्रिगर आएगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कॉम्बिनेशन में आ जाएं। और ये यूनिवर्सल नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के लिए कोई चीज अगर ट्रिगर कर रही है तो मुझे भी ट्रिगर करे। तो इसलिए जो ट्रिगर्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन कॉमन जो ट्रिगर्स हैं उसकी मैं बात करूंगा, ये 10 ट्रिगर्स हैं। नंबर 1 इज द कैफीन। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं या कैफीन इस्तेमाल करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप रोज 5-6 कप कॉफी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो कैफीन की मात्रा है वो काफी ज्यादा जाती है। और अगर आप बहुत लंबे समय से कैफीन इस्तेमाल करते हैं और आपने सडनली कॉफी पीना बंद कर दी तो कैफीन आपकी बॉडी को मिलना बंद हो गई, तो कैफीन का विड्रॉल आया। ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये वास्तव में माइग्रेन का अटैक लेके आ सकती हैं। अगर हम अमेरिकन माइग्रेशन फाउंडेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको ध्यान से देखें तो उन्होंने तो ये भी कहा कि जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं या कैफीन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अगर अटैक आने वाला है तो एक कप कॉफी पी लें तो वास्तव में जो अटैक है वो अबॉर्ट हो सकता है। लेकिन टू मच कैफीन या कैफीन विड्रॉल, ये दोनों चीजों में जो माइग्रेन है उसके अटैक आने का डर रहता है। जो कैफीन है वो कॉफी में होगी, टी में होगी, चॉकलेट्स में होगी, तो इसलिए इसकी जो अमाउंट है उसको आपको लिमिट करने की जरूरत है अगर आपको माइग्रेन के अटैक को बचाना है। तो नंबर 2 पर आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जब भी हम कोई खाने की चीजें ऐसी लेते हैं जिसमें स्वीटनेस चाहिए एंड हमें कैलोरी बचानी है तो वास्तव में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वीटनेस तो देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर में एक स्वीटनर होता है जिसे कहते हैं एस्पार्टेम। अगर एस्पार्टेम आप यूज करते हैं तो अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन ऐसा मानती है कि एस्पार्टेम इज वन ऑफ दोज कंपाउंड्स जो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनको लाने की ताकत रखता है। नंबर 3 पर आता है अल्कोहल। अल्कोहल पॉसिबली इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द माइग्रेन अटैक, इट इज द मोस्ट कॉमन। एक स्टडी ने पब्लिश किया कि ऑल दोज पीपल जिन्हें माइग्रेन की टेंडेंसी थी उनको जब इंटरव्यू किया गया तो 35% ऑफ देम सेड कि जो अल्कोहल जब लेते हैं तो माइग्रेन का अटैक आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो 1/3 पीपल विल हैव अटैक ऑफ माइग्रेन अगर वो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो। एंड आउट ऑफ अल्कोहल इट इज द रेड वाइन विच इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। साइंटिफिकली ऑलमोस्ट 77% पीपल विथ माइग्रेन टेंडेंसी, उन्होंने ये बोला कि जब भी वो रेड वाइन इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें माइग्रेन का जो अटैक है वो आता है। बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते अल्कोहल माइग्रेन का अटैक लेके आती है, बट द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इज कि जब आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल एक्चुअली आपके अंदर डिहाइड्रेशन पैदा करती है, एक वाटर डेफिसिट पैदा करती है। इनके जो डिहाइड्रेशन है ये शायद माइग्रेन का जो अटैक है इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए एक तो अल्कोहल को लिमिट करने की जरूरत है, रेड वाइन को तो जरूर ही लिमिट करने की जरूरत है, एंड आपको अपना जो वाटर इनटेक है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है अगर अल्कोहल रिलेटेड माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनको बचाना है तो। नंबर 4 पर आती है चॉकलेट्स। जो चॉकलेट्स हैं दे आर द नेक्स्ट कॉमन रीजन आफ्टर अल्कोहल या सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन आफ्टर अल्कोहल फॉर द अटैक ऑफ माइग्रेन। वास्तव में जो चॉकलेट्स हैं उनमें दोनों चीजें होती हैं। नंबर 1 इसमें कैफीन होता है जैसे हमने बात की इसके पहले। नंबर 2 इसमें होता है बीटा फिनाइल एथिलामीन। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये मिलके जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो नंबर 4 पर जो चॉकलेट्स हैं ये आपको देखने की जरूरत है, जो चॉकलेट्स हैं उनकी जो अमाउंट है उसको आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है, बिकॉज
अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है और आप हैवी अमाउंट में चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। नंबर पांच पर आते हैं फूड्स कंटेनिंग एमएसजी। एमएसजी का मतलब है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये वास्तव में ये सोडियम साल्ट है ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। इसको टेस्ट एनहांस करने के लिए या एक नमकीन स्वाद लाने के लिए या बहुत सारे उसमें ये फूड एडिटिव जैसा यूज किया जाता है, लेकिन एमएसजी वास्तव में अटैक प्रिसिपिटेट कर सकता है। अगर हम एक स्टडी को देखें, व्हाट दे सेड वाज कि ऑल दोस पीपल जिनको एक टेंडेंसी थी माइग्रेन की, उनमें एमएसजी के चलते जो अटैक है उसके प्रिसिपिटेट होने की जो पॉसिबिलिटी है इस 10-15%। तो अगर आप फूड एडिटिव्स की बात करें तो ऑल दोस फूड्स जिसमें एमएसजी होता है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ये आपको अवॉइड करने की जरूरत है अगर अटैक से बचना है तो। नंबर छह पर आते हैं प्रोसेस्ड मीट्स। जब हम प्रोसेस्ड मीट्स की बात करते हैं, हम हॉट डॉग्स की बात करते हैं, हम सॉसेजेस की बात करते हैं, हम डेली मीट्स की बात करते हैं, आप जो बर्गर्स के अंदर जो मीट खाते हैं हम उनकी बात करते हैं। एक्चुअली जब भी प्रोसेस्ड मीट की बात होती है इनमें एक प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जिसे कहते हैं नाइट्रेट। जो नाइट्रेट है वास्तव में इन सब चीजों को कलर देता है एंड फ्लेवर देता है। जो नाइट्रेट है जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है ये हमारे ब्रेन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करती है, और कोई भी चीज जो ब्लड ब्रेन के अंदर की ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी तो एक थ्रॉबिंग पेन लेके आएगी एंड माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं जैसे हॉट डॉग्स हैं, सॉसेजेस हैं, बर्गर्स हैं, इनको मिनिमाइज करने की जरूरत है बिकॉज इनमें जो नाइट्रेट है वो अटैक लाने की ताकत रखता है। नंबर सात पर आते हैं चीज, पर्टिकुलरली एजेड चीज। यू सी चीज आप जानते हैं कि इट्स वेरी हाई प्रोटीन, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या बहुत दिन तक ये रखा होता है तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और जो प्रोटीन अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसमें एक मटेरियल डेवलप होता है जिसे कहते हैं टायरामीन। ये जो टायरामीन है ये हेडेक या माइग्रेन का जो अटैक है उसको लाने की ताकत रखता है। तो इसलिए अगर चीज पुराना है तो इसमें टायरामिन डेवलप हो जाएगा, और टायरामिन डेवलप होगा आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। नंबर आठ पर आते हैं फर्मेंटेड फूड्स एंड पिकल्स। जो पिकल्स हैं ये हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो भी काफी मात्रा में यूज किए जाते हैं। बात यही है कि जो पिकल्स होते हैं और फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उनमें भी जो टायरामिन है, जैसा अभी पहले भी मैंने कहा टायरामिन की जो अमाउंट है बहुत सिग्निफिकेंट होती है, तो जैसे चीज में टायरामिन होता है ऐसे ही जो पिकल्स हैं या फर्मेंटेड फूड्स हैं इनमें भी टायरामिन की अमाउंट सिग्निफिकेंट होती है। तो जैसे पिकल्स हैं, किमची है, कॉम्बुचा है या कोई भी फॉर दैट मैटर फर्मेंटेड फूड है, इसमें टायरामिन की जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट होगी। और आप अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो मान के चलिए कि माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। नंबर 9 पर आते हैं फ्रोजन फूड्स। जब मैं फ्रोजन फूड की बात करता हूं तो वास्तव में आप जो ना फ्रोजन फूड्स हैं एंड फ्रोजन ड्रिंक्स हैं, जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं, आप स्लश लेते हैं, ये फ्रोजन फूड की कैटेगरी में आता है जिसका जो टेम्परेचर है बहुत नीचे की तरफ होता है। ये वास्तव में जो माइग्रेन का अटैक है उसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं एंड वास्तव में बहुत सीवियरली प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपने कोई एक्सरसाइज की और उसके बाद आपने कोई फ्रोजन फूड इस्तेमाल किया या कोई फ्रोजन ड्रिंक इस्तेमाल किया तो अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे ही किसी भी आपने एक्सरसाइज करी, कुछ किया, आप ओवरहीटेड हैं और उस समय अगर आप इस तरह की चीज इस्तेमाल करेंगे देन पॉसिबिलिटी इज कि आपको माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। नंबर 10 या लास्ट पर आते हैं साल्टी फूड्स। जब साल्टी फूड की हम बात करते हैं तो वास्तव में ये प्रोसेस्ड फूड्स में जो साल्ट यूज किया जाता है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं चाहे वो चिप्स हो, इस तरह के जो फूड्स होते हैं इनमें हमेशा साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है सो दैट ये खराब ना होने पाए और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करे। जब साल्ट ज्यादा यूज होता है, वास्तव में साल्ट अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपकी बॉडी में साल्ट ज्यादा जाता है तो यह सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा जाता है। सोडियम आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा तो ये वाटर को रिटेन करेगा, वाटर को रिटेन करेगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो अगर ये दोनों काम करेगा कि आपकी बीपी को भी बढ़ाएगा,
आपके ब्लड के वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, तो आपको जो माइग्रेन का अटैक है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो जो साल्टी फूड्स हैं, पर्टिकुलरली द प्रोसेस्ड फूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऑफ द माइग्रेन अटैक। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो माइग्रेन का जो अटैक है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेन अगर आती है तो इट्स वेरी पेनफुल, ये आपकी जो लाइफ है उसको इंटरप्ट करती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो जो माइग्रेन का जो अटैक है उसको आप बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलरली अपना खाना खाते हैं, कोई भी जो मील है स्किप नहीं करते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, आपके ब्लड शुगर इवनली मेंटेन रहेगी, तो पॉसिबिलिटी इज कि आपको अटैक नहीं आएगा। नंबर टू, अगर आप कैफीन का जो इंटेक है, जैसे आप कॉफी पीते हैं उसको जो लिमिट करके चलते हैं, एक कॉफी पीते हैं, दो कॉफी पीते हैं, अगर कैफीन का आपका इंटेक लिमिटेड है तो आपको माइग्रेन के अटैक आने की संभावना नहीं है। नंबर तीन, अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, दैट मीन्स कि आप रोज 7 to 8 hours स्लीप लेते हैं, दैट इज कंफर्टेबल एंड इन अ डीप स्लीप, तो अब माइग्रेन का जो अटैक है उसके आने की संभावना कम होगी। अगर आप स्ट्रेस का लेवल नीचे करके चलते हैं, इन द सेंस कि आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जिससे स्ट्रेस का लेवल कम होता है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, और कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, स्ट्रेस कम होगी, तो माइग्रेन का जो अटैक है उसके आने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे ही ऐसा माना जाता है कि अगर आप जो है ना ब्राइट लाइट के सामने ज्यादा रहते हैं, चाहे वो सनलाइट ही हो, तो उसके चलते जो माइग्रेन का अटैक है उसके प्रिसिपिटेट होने की संभावना हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए जो ब्राइट लाइट है, इंक्लूडिंग सनलाइट, उसको भी आपको अलग करने की जरूरत है अगर आपको माइग्रेन के अटैक्स बार बार आते हैं। ऐसे ही आपको जो है ना फ्रीक्वेंट स्क्रीन ब्रेक्स लेने की जरूरत है। जैसे लंबे लंबे समय तक आप टेलीविजन जो है ना देखते रहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो लोग टेलीविजन के सामने घंटों बैठे रहे, आप लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी स्क्रीन यूज करते हैं, चाहे मोबाइल का ही स्क्रीन हो, तो आप लंबे समय अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनके प्रिसिपिटेट होने की संभावना है। तो अगर आप स्क्रीन ब्रेक लेते हैं तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। ऐसे ही आप डाइट में से इन सब चीजों को अगर एलिमिनेट करें, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी ये 10 चीजें, अगर इनको आप एलिमिनेट करें तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि देयर आर ऑड अराउंड 35-40% चांसेस कि ये आपको जो अटैक्स आने की जो पॉसिबिलिटी है, ये अटैक्स आने आपको बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो फूड मटेरियल्स हैं जो वास्तव में अटैक लेके आते हैं, इनको आपको अलग करने की जरूरत है, ये आपको अपने जो डाइट है उसमें मिनिमाइज करने की जरूरत है, इन आपको एक डायरी मेंटेन करने की जरूरत है कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जो माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट करती है। साइंटिफिकली अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तो अटैक आने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अगर जो 10 चीजें या 10 खाने की चीजें हैं जो माइग्रेन के अटैक को प्रिसिपिटेट करती हैं, उसको समझने में ये वीडियो मदद करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।